Morning, everyone. In our last class, we already completed our chapter. Okay, now today we are going to discuss about the sum question answers and some exercise of this chapter. Okay, so our first question is write the correct answers. Okay, the transfer of characteristics from one generation to another is known as. जो कैरेक्टर्स होते हैं आपके वो वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में जो पास होते हैं तो उन कैरेक्टर्स को आप क्या कहोगे? हेरिडिटी. व्हाट वी कैन कॉल देम हेरिडिटी. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज राइट द नेम्स ऑफ एनी टू साइंटिस्ट हु वर्क इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स. इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स तो ये अपने हो जाएंगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना एंड ग्रेगर जॉन मेंडल. ओके, इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी गई है तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, आंसर्स नोट कर सकते हो. नेक्स्ट वी हैव इज फ्रॉम वेयर डू वी गेट द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स. ओके, हमें ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं. पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स एंड मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, इन दोनों से अपने को मिलते हैं. फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से अपने को मिलेंगे. फ्रॉम ऑल ऑफ द अबाउट. ओके, इन सभी से हमें क्या मिलता है? जेनेटिक कैरेक्टर्स. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज योर रिलेशन विद योर मदर्स सिस्टर. आपकी जो मदर सिस्टर है, मदर की जो सिस्टर है, ठीक है, उनके साथ में आपका क्या रिलेशन है? विद योर मदर सिस्टर, तो वो आपकी क्या हो गई? मैटरनल आंट. नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए न्यूक्लियर फैमिली एंड ए जॉइंट फैमिली. ओके, एक जो न्यूक्लियर फैमिली है और जो जॉइंट फैमिली है उनमें आपको डिफरेंस बताऊंगी. ओके, सो एज यू कैन सी हियर ए न्यूक्लियर फैमिली इज फॉर्मड विद पेरेंट्स एंड देयर वन और टू चिल्ड्रन. ओके, जो न्यूक्लियर फैमिली है वो तो किससे बनती है? उसमें ओनली पेरेंट्स होते हैं और उनके वन एंड मोर देन वन चिल्ड्रन होते हैं. बट ए जॉइंट फैमिली इज फॉर्मड when parents, grandparents, uncle, aunt and their children play together. ठीक है, और जो joint family होती है उसमें कौन होते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, आपके अंकल आंट और उनके जो चिल्ड्रेन हैं वो सभी एक साथ में रहते हैं. तो इस टाइप की फैमिली अपनी क्या हो गई? joint family. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके चैप्टर के बीच में दिए हुए हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग. तो उनमें मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपको मतलब खुद से नहीं करना है. ठीक है, मतलब आपको खुद से ट्राई करना है लेकिन आपको इनको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मे बी आपके एग्जाम में आ सकते हैं. बाकी आपको क्वेश्चन करने सारे हैं रफ नोटबुक में, लेकिन फेयर नोटबुक में जो करने हैं वो क्वेश्चन आपको मैं कर रहा हूँ. ओके, सो आवर क्वेश्चन इज व्हाट आर द चेंजेस इन द वेज और सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स ओवर टाइम. ठीक है, और टाइम के साथ में जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है उसके साथ साथ में फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का जो वे है उसमें क्या चेंज हुआ है? देर आर फ्यू चेंजेस दैट हैव टेकन इन सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स. ओके, कुछ चेंजेस हैं, ठीक है, जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के तरीके में क्या हुआ है? चेंज हुआ है. सेलिब्रेशन हैज बिकम मोर शोविंग एंड ग्रैंडियर. ठीक है, आजकल का जो सेलिब्रेशन होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? और ज़्यादा दिखावे वाला हो रहा है. ठीक है, उसमें उतना ट्रेडिशन नहीं होता है, इतना एंजॉयमेंट नहीं होता है जितना उसमें दिखावा होता है. ठीक है, रूल्स एंड ट्रेडिशन हैव फेडेड आउट. और रूल्स एंड ट्रेडिशन जो है वो बिल्कुल गायब ही हो गए हैं. ठीक है, इस तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. अंडरस्टैंड?
Now, next we have is, how does a cow identify its calf? एक जो cow है वो अपने calf को कैसे identify करेगी? So, animals have their own language. Animal की अपनी language होती है. Each animal has special body order. ठीक है? और each animal के पास में special body order होता है that helps identify the members of the same group. Okay? जो अपने same group के जो person होते हैं, जो animal होते हैं, उनको identify करने की capacity उनमें होती है. Special smell होते हैं. Order का मीन क्या हो गया? स्मेल होती है जिससे वो अपने ग्रुप के लोगों को पहचान सकते हैं, अपने ग्रुप के एनिमल्स को पहचान सकते हैं. ओके, थस ए काउ कैन आइडेंटिफाई इट्स काफ यूजिंग बॉडी ऑर्डर एंड लैंग्वेज. ठीक है, और इस टाइप से जो काउ है वो अपने काफ को पहचान सकती है. ठीक है, बॉडी का जो ऑर्डर है उससे और लैंग्वेज. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज, हाउ डज योर मदर आइडेंटिफाई यू इन ए क्राउड? आपकी जो मदर है वो आपको एक क्राउड में कैसे पहचाने? ह्यूमन ब्रेन इज मोर डेवलप्ड देन एनिमल्स. ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो एनिमल्स से ज़्यादा डेवलप होता है. एंड वी कैन टॉक. ओके, और इसीलिए हम बात भी कर सकते. We can remember face of our near and dear ones. ठीक है, हमारे जो बहुत ज़्यादा पास में रहते हैं, ठीक है, जो हमें बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, उनकी उनका जो फेस है वो हमें हमेशा याद रहता है. फॉर लाइफ लॉन्ग, हमेशा पूरी लाइफ में अपने को याद रहता है. देयरफॉर इसीलिए माय मदर कैन आइडेंटिफाई मी इजीली इन द क्राउड. इसीलिए मेरी जो मदर है वो मुझे इजीली क्राउड में भी आइडेंटिफाई कर लेंगे. ओके, सो नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट चैप्टर. सो थैंक यू.